अज गुरद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहब विखे जिथे अमर शहीद बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह मां गुजर कौर जी के पावन शहीद का संस्कार होया। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। जिथे भाई टोडर मल ने अपने आप नू साहबजादियां तो निशावर करके ये धरती की जड़ी कीमत सी शायद रहिंदी दुनिया तक एडी महंगी धरती जड़ी है वो कोई हो नहीं सकती। उस मुकाम तो समुचे पंथ वालों श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध हेठ श्री अखंड पाठ साहब जी की अज प्रमता हुई है और जिदे विच गुरु साहब जी ने पावन बचन मुख वाक बख्शै दया करनंग दुख हरनंग उचरंग नाम कीर्तन है दयाल पुरख भगवान है नानक लिपत न माया पाहे बुलंदड़ी बुझगी रखंदड़ो प्रभ आप जिनो पाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप। तो सतगुरु ने गुरबाणी विच भी सिख नूं जिहड़ा दया करन दा कर्म जिहड़ा उह दित्ता क्योंकि धर्म दा मूल है। सो फतेहगढ़ साहब की यह जड़ी शहादत दे दिन ने भावें खालसा पंथ को इतिहासक स्थानों की विरासत बहुत वड्डी है किसी नूं तुसीं एक दूए दे विच तुलनात्मक पक्ष दे विच वड्डा छोटा नहीं कर सकते। हरिमंदर साहब साडे कोल पूरे विश्व की इहो जी नुहार है पर मैं महसूस करदा निजी तौर पर कि जिस तरह मक्के की ज़ियारत है मुसलमान धर्म के अंदर और हिंदू धर्म के विच संकल्प है कुंभ का तो सिखां दे लई इस तो वड्डा तीर्थ कोई होर नहीं। और दूसरी मैं ये गल कहनी चाहुंदा कि हर एक धर्म नूं उहनां दे दिन त्यौहार मुबारक ने। सतगुरु ने सानूं यही सिखाया दूसरे धर्मां दा सत्कार करना पर सिखां दे घर विच जम के जे साहबजादियां दीआं शहादतां भुल के इस कड़ाके की ठंड विच किस तरह माता जी ने वह दर्द अपने पिंडे ते सहया ते असीं कोई होर त्यौहार चंगे लगते ने फिर इस तो वड्डी गदारी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे इस मिशन दे नाल नहीं कोई हो सकती। धन धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन धन बाबा फतेह सिंह जी, धन धन माता पूजनिक गुजर कौर जी दे शहीदी नूं समर्पित गुरद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब वाले श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इलाके दीआं संगतां दे सहयोग दे नाल जो शहीदी दिहाड़े नूं समर्पित श्री अखंड पाठ साहब दे अखंड पाठ साहब ने वह अज गुरद्वारा ज्योति स्वरूप विखे सही 7 बजे आरंभ कर दिए गए हैं जो कि 28 दिसंबर सवेरे 6 बजे उन्होंने श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए जाएंगे।